व्हाट इज अप फाइटर्स, आदर्श हियर। तो वीडियो में आवर्डने से पहले आप लोगों की छोटा सॉरी, क्योंकि मेरे पीछे आप लोग गाना बस तो सुनाई देगा और हाँ, तो उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा हम लोग आज खेलें काजमी डंजन, जिसका हम कल बात कर चुके थे, उसको हम कल खेले नहीं क्योंकि हमें टाइम नहीं था। और चलो हम लोग आज वो खेलेंगे और हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ हम लोग सिंपल एस एस बी एस कैटर्स को लेकर आएंगे। मगर उससे पहले हम यहाँ सोल क्वेश्चन नहीं खेलें क्या? तो यहाँ इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ओरोची यूरी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ओरोची यूरी सिंपल रीज़न ये है, वो हम लोग एक फेस कैरेक्टर है, उसका सोल को लेकर हम क्या कर देंगे, सैलवेज। अब जिन लोग मेरा वीडियोस काफ़ी समय देख रहे हैं या फिर जिन समझदार हैं, जिन लोग अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मालूम पड़ जाएगा भाई हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग को मिलेगा कुछ टिकट्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही बाद में। मगर यहाँ ओरोची यूरी जो मेमोरी नहीं, जो सोल मिला हम लोग को, उसको हम लोग कर देंगे क्या, गेस वॉट, हम लोग इनको कर देंगे सैलवेज। तो हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं, हम लोग जाते हैं सोल में, सोल हमको सोल बैठ गया याद आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे सैलवेज। और सैलवेज करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या, कि हम लोग यहाँ पर से ये टोकन्स कलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोग फ्री रूबीज़ के समान हैं। तो ये है हम लोग का छोटा फ़ायदा हो गया यहाँ पर। तो हम लोग बढ़ते हमारे सीधे काजुमी डंजन में, जहाँ पर हाँ ये रहा, और यहाँ पर हम इसका कल अच्छे से बातचीत कर लेना। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे तो उसको चेकआउट कर लेना। और चलो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको अभी तक खेले ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से हम कुछ कैरेक्टर सेट कर देते हैं, डोवा टीम बना लेते हैं एक टू, और क्या ठीक है, इनो डिजी और सोल का है, वेर इज सोल, अरे यहाँ सिर्फ लेडीज क्यों दिखाई दे रही है हमको, शिट। तो गाइज उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा आज कैंपस प्लेसमेंट है, ये भी एक तो कारण, इसके कारण से मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, इतना बेकार इन लोगों का है ना टाइम स्लॉटिंग, मेरा टाइम था 3 बजे का, अभी ना मेरा कितना बज रहा है यहाँ, 4 बजने के लिए आ गया, इन लोगों अभी तक चालू नहीं किया, मेरा स्लॉट का बारी आया नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का बुराई नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर छोटा ट्विस्ट मिला है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेडीज़ को लेकर जा सकते हैं। तो हम लोग डार्लिंग को लेके जाएंगे, मेरी डार्लिंग को लेके जाएंगे। चलो इसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट। हाँ, हम अभी भी इसका मॉडल खुश नहीं, हम पहले बोलते रहे। और दूसरे टीम में डोवा टीम ले जाते हैं, यहाँ हम लोग होनोका को रख देते हैं, एसएस होनोका को रख देते हैं, और कौन है डोवा में से मेरे पास थोड़ा अपग्रेडेड, फिलहाल तो और कोई नहीं दिख रहा है, मगर हमको नहीं लग, नहीं एक सेकेंड, मैरी तो है, मैं इसका नाम नहीं, मैरी नहीं, रोज़ क्या है इसका नाम, रोज़ मैरी, एक सेकेंड इसका नाम देख के लेते हैं, वो मैरी रोज, हम रोज मैरी इसको बोल रहे हो, शिट। ठीक है, तो हम लोग डीजी को थोड़ा कार्ड दे देते हैं, उसको कौन सा कार्ड मिसिंग है डीजी के पास, वो कुछ ऑप्शन कार्ड नहीं दिए हुए हम इसको, तो यहाँ पर इसको दे देते कियो कार्ड, और यहाँ दूसरे स्लॉट में इसको दे देते हैं, हाँ कोई कूल डाउन कार्ड ही दे देते हैं, क्योंकि हम लोग का पीजी रेट तो बहुत कम रहेगा, तो हम लोग जितना उतना अपना स्किल्स को स्पैम करने की कोशिश करेंगे। और हम प्रेटी कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग इसको पहली टीम से क्लियर करते, तो दूसरा टीम को हम लोग कुछ देंगे नहीं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, और हाँ अब यहाँ पर कमेंट्री हो रहा है बंद, आप लोगों से मिलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। तो गाइस ये लेवल काफ़ी ज़्यादा आसानी से क्लियर हो गया, और यही है डोवा क्लैब का, डोवा नहीं गिल्टी गियर क्लैब कैरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त, इतने लोग एक्सप्लोजन देते हैं कि हम लोग किसी भी एनिमे के जो एचपी बार उसको आराम से मेल्ट कर देते हैं, हम लोग डिक्रीज नहीं कर मेल्ट कर देते हैं उसको। और हाँ हम लोग के यहाँ कुछ गिफ्ट्स मिले, चलो हम लोग देखते हैं इसका भी क्या सिस्टम है। और पहला क्लियर किया तो हमको लगता है कि फर्स्ट रिवॉर्ड क्लियर नहीं, हम लोग को कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनको, वो तो शायद हम लोग का मेल में आ जाएंगे, तो उनको कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग।
होपफुली मेल में आ जाएं। हाँ ठीक है, हम लोग मेल में हैं, इन टोटल 20 हैं, देखते हैं हम लोग इनका क्या कर सकते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, हमको लगता है ठीक ठाक क्वांटिटी हम लोग पास आ चुका है, तो हम लोग होम करते हैं और इसको जितना हमको लगता है कि हम लोग इसको रोज़ खेलना पड़ेगा। अब चीज़ ये है कि हम इसको एक दिन मिस कर सकें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को आखिरी का रिवॉर्ड ना मिले। तो गिफ्ट इवेंट में आते हैं हम लोग और चलो 140 सारा गिफ्ट कर देते हैं एक ही बार में गिफ्ट। ठीक है, लेवल 3 तक पहुंच गए और चलो इसको करते हैं गिफ्ट। ठीक है, हम लोग लेवल 4 तक पहुंचे। ओके, तो हम लोग को भी और बहुत से रिवॉर्ड्स यहाँ कलेक्ट करने हैं। आखिर में तो BS है, मगर पहले ही दिन सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि हम लोग को वहाँ पर तो वो भी मिल गया था फर्स्ट रिवॉर्ड क्लियर, जिसके कारण हम लोग इतना सारे इसको रीच कर पाए। मगर ठीक है, चलो अब हम लोग को वहाँ पर से मेमोरीज मिलेंगे और चलो इसको अब खोलना पड़ेगा क्या है। चलो कलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, मगर सर करेंगे क्या? ओके करो इसको, क्या मतलब समझ में हम लोग कुछ मिले यहाँ पर, कुछ गिफ्ट टाइप का हो। What to do दादा, what to do? थोड़ा नीचे चलते हैं। ओहो, ये भी तो है, कास्ट के एपिक क्वेस्ट का टिकट। चलो ओके करते हैं, ठीक है 8 मिला है, उसका मतलब हम 2 दिन इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। शिट, क्योंकि हमें ज़्यादा टिकट से इस कार्ड से हम उसको और नहीं कर सकते, मगर उसका करेंगे क्या? अगर आप लोग उसका कुछ यूज़ मिला हो तो हमको बताना गाइस नीचे ज़रूर। तो गाइस जैसा कि हम पहले बोले थे, काजमी को डिफीट हम लोग आराम से कर चुके हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं लूडो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मगर एक सेकेंड, उसका करना क्या है अगर आप लोग मालूम पड़े हमको नीचे कमेंट्स बता देना, ठीक है? मगर हम लोग एक बार कोडेस को चेकआउट कर ही लेते हैं, हमको पता हम आउटरो दे चुके हैं, मगर फिर भी हम कोई नियम नहीं मानते, बिकॉज आई एम द अटैक टाइटन। हाँ, लंबा लंबा फेंक रहे अभी हम, लपेट लो। तो हमको नहीं लगता यहाँ पे भी कुछ आया हुआ है, तो करेंगे क्या उसका? खैर छोड़ो, क्या पता हम लोग को बाद में कुछ रिवॉर्ड्स हम लोग को अलग में चेंज हो जाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।